मॉर्निंग बेटा, आज अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, यानी न्यूमेरिकल्स के किस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो करेंगे आज। तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 90% कंप्लीट इन 10 मिनट्स। 90% कंप्लीट हो गए 10 मिनट। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन? पहले रेट कांस्टेंट निकालना है, फिर इसका बी पार्ट पूछा, कैलकुलेट द हाफ लाइफ फॉर द बो रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ। तो दोनों फॉर्मूला आपको याद है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो आपको पहले क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट। आंसर स्टार्ट करते हैं। रेट कांस्टेंट मेन फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का जो आपने पिछले वीडियो में डिराइव कर लिया था, K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ बेस 10 A अपॉन A माइनस X। ये है इसका रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला। ये आप अच्छी तरह जानते हो। ए क्या है बेटा? इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट हमेशा ए से दिखाएंगे अपन, और एक्स वो क्वांटिटी है जो कंप्लीट हो गई है। और यहाँ देखो, इस रिएक्शन में कितने परसेंट कंप्लीट हो गए? एक्स 90%। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 90%। परसेंट और घटाते तो क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। तो ये हो गया आपके 0., ये हो गया 9, 0.9 एक्स की वैल्यू आ गई। टी है, क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 90% कंप्लीट, तो 90% एक्स की वैल्यू है, 90 को 100 कर दिया, 0.9 आ जाएगा। इन 10 मिनट्स टाइम दिया हुआ है, 10 मिनट्स। तो भैया जी टाइम तैयार है, फॉर्मूला पहले तो फॉर्मूला तैयार, टी तैयार, ए तैयार। ए अपन को पता है, ए हमेशा 1 ले लेना। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ले लो? जब गिवन नहीं हो तो 1 लियो, आराम रहेगा। ये 100 लोगे तो फिर वो उसको परसेंटेज के हिसाब से आगे बढ़ाना पड़ेगा। 1 ले लेना अपने, तो कैलकुलेशन छोटी होती है। तो सब गिवन है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है देखिए, फिर इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इसका क्या है अपन लिख देते हैं, K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 मिनट्स। ओके, लॉग ऑफ, लॉग छोटे मोटे लॉग देखना आने चाहिए। ए वन वन माइनस 90% का क्या हो गया बेटा? 0.9 है ना, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 लॉग बेस, ये तो लॉग का बेस 10 है, बेस से लॉग का। अब आप देखो, वन में से पॉइंट हटाओगे तो ये आ गया आपके 0.1। पॉइंट हटाओगे तो ये लो, ये आया log 10। log 10 की वैल्यू बताओ साहब, तो ये होती है 1। इसमें रख देंगे 1, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में आपके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व हो गया बेटा। K1 की वैल्यू क्या आ गई? K1 इज इक्वल टू 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2। पहले तो अपनी करें ना, ये लिख देते हैं 2.303 अपॉन 10, और ये लॉग 10 की वैल्यू इसकी क्या लिखूं? ये रहा लॉग 10, इसके लिए तो 1, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 2.303 अपॉन 10 है तो इसका क्या हो गया? ये एक तरह से अपॉन 10 में, तो ये हो गया साहब आपके 0. ठीक ना, 2303। ओके, तो कुछ नहीं, डेसिमल जो है इधर लग गया एक, और कोई खास बड़ी बात नहीं है। इसको सॉल्व कर लिया, 10 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद में आ जाओ अपने वो मेन हाफ लाइफ भी पूछी, इसके दो पार्ट पूछे हैं, तो हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या? बी पार्ट इसका। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है बेटा? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ना बच्चों, तो फॉर्मूला क्या है? K1 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। अब दिया हुआ क्या है, ये आपने खुद ने निकाला, K1 निकाल दिया ऊपर, ये निकाला ऊपर, K1 ही काम आएगा। और ये हाफ लाइफ यहाँ ले आओ, K1 नीचे ले जाओ, तो हाफ लाइफ टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 0.2303, ये आ जाएगा। यहाँ 4 0 आएंगे, 4 डेसिमल हटा, यहाँ 3 0, ये पॉइंट हटा लेंगे सब, तो ठीक है ना, ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपके 6930। और क्या आ जाएगा बेटा? मिनट इनवर्स, ये मिनट में ही थी, टाइम अपने मिनट में था, तो टाइम आ जाएगा। इसको सेकंड में कन्वर्ट करना तो सेकंड में कर लेंगे। तो इस तरह से ये पहला न्यूमेरिकल अपन ने सॉल्व कर लिया है, पहला न्यूमेरिकल का पैटर्न है। अब नेक्स्ट दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। हाँ बेटा, सेकंड न्यूमेरिकल का पैटर्न देखो बेटा, ये 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, डबल न्यूमेरिकल है, बहुत आसान न्यूमेरिकल, देखना।
क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट इन 60 मिनट। गिवन क्या क्या है, अपना सबसे पहला काम है गिवन, क्या दिया हुआ है 50% कंप्लीशन दिया हुआ, यानी एक्स की वैल्यू दी हुई है 50/100, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो ये हो गया 0.5 है ना। और इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने क्या कहा, वो गिवन नहीं है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन तो 1 देनी है ना, और बच्चों टाइम दिया हुआ है 60 मिनट्स। तो पहला तो आपके हो जाएगा, और फॉर्मूला आपको सब बच्चों को पता है कि वन इज इक्वल टू, बोलिए साहब, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो इस तरह से सब इसमें सबसे पहले क्या कर लेंगे, केवल निकाल लेंगे। तो हाउ, देखो बेटा, देन हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड, फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, जो केवल आएगा ना वो तो यहाँ आ जाएगा, यही रिएक्शन है, और टी यहाँ चला जाएगा, तो सेकेंड यानी दो डबल न्यूमेरिकल हो गया, एक जगह की वैल्यू निकाल करके आगे उसको पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले के वन निकाल दे, के वन इज इक्वल्स 2.303, मेन फॉर्मूला, मेन हीरो है बेटा ये फॉर्मूला, बार बार मैं कह रहा हूँ याद कर लेना, ये 16 मिनट दिया हुआ है, ये क्या लिखना है, लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स की वैल्यू बोलो, ये रहा 0.5, कोई दिक्कत नहीं है। तो k1 is equals to 2.303 upon 16 log base 10 1 में से गए 0.5 बचा, पॉइंट हटाओ, ये लगाया 5 × 10 log 2 है ना, k1 is equals to 2.303 upon 16 log base 10 ठीक ना, और base 10 के बाद log 2। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो, log 2 की वैल्यू रख सकते हो, लेकिन मैथ्स पहले कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं, बिना लॉग टेबल दिए हुए भी अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो हो गया, केवल निकल गया, अब अपन को क्या आगे चलता है, देन हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 75% कंप्लीशन। ये कह रहा है 75% में कितना टाइम लगेगा, तो होशियार बच्चा क्या करेगा, इस टाइम को ले जाएगा इधर और केवल भाई साहब को लेके आ जाएगा इधर, तो मजा आ गया ना, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा हल्का सा, क्या चेंज हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k1 log of base 10 a upon a minus x, ये फॉर्मूला आप लगा लेंगे, इसकी इक्वेशन बनेगी टाइम, ठीक है ना। हाउ मच टाइम पूछा है, k1 कहाँ है, बताओ k1 कहाँ है बच्चों, k1 ये रहा आपने जो निकाला है, ये तो रखना है यहाँ पर, और क्या करना है रे भैया, तो देखना ये हो गया k1 क्या है, 2.303 अपॉन में है, तो अपॉन वाली चीज ये पहले तो बात, तो मल्टीप्लाई वाला यहाँ नीचे रखे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा लॉग बेस 2, और इसके नीचे वाली चीज चली जाएगी ऊपर, फिर आगे चलते हैं लॉग ये वाला बेस 10 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या, 75% कंप्लीशन हुआ ना, एक्स 75% और परसेंट मतलब क्या लिख सकता हूँ, 0.075, ये लिख दो 0.075। तो पहले तो कट रहे हैं, काटते चलो, आगे बढ़ते चलो, t इज इक्वल टू 16 अपॉन log क्या आ गया, बेस log 2 आ गया बेटा, उसके बाद में आ गया ये log बेस 10 1 अपॉन 1 माइनस 1 में से 0.75 निकालोगे तो क्या आएगा, 1 में से 0.75 निकाल ही देते हैं 0.25, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हटाओ 100 लगाओ, 25 × 100 log 4 आ गया, क्या आ गया log 4, t इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 16 अपॉन log 2, और ये आ जाएगा log 4। log 4 को क्या लिख सकते हो रे बच्चों, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2 log 10 है ना, ये तो आगे आ जाएगा 2 log बेस 10 2, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये log 4 को 2 की पावर लगाएंगे log 4, ये लिखने का तरीके समझो रे, log 4 को 4 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2 है ना, फिर ये 2 आगे चला जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा रे बेटा, सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर, 16 अपॉन log 2, फिर आ जाएगा 2 log बेस 2, ये कट गया log 2 से log 2, ये आंसर आ गया 16 × 32 पे ना, 16 × 32 मिनट्स इसका आंसर है। जो डायरेक्ट करने की कोशिश करेगा वो तो मरेगा, लेकिन बाकी तो बच्चा कर लेगा आराम से, 32 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये सेकेंड न्यूमेरिकल का एक पैटर्न देखा, ये 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल था बेटा, आराम से सॉल्व इसको अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं अब।
हाँ बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ लाइफ टी थर्टी फोर्थ लाइफ क्या होती है 75% कंप्लीशन, हाफ क्या होता है 50% कंप्लीशन, ये 75% कंप्लीशन इज डबल्ड फ्रॉम द हाफ लाइफ ऑफ टी हाफ, 50% का जस्ट डबल होता है, प्रूव करना है, प्रूव है। तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं आराम से इसको, इक्वेशंस बना लेते हैं, ठीक है ना। हाफ लाइफ की तो अपन ने की थी कि हाफ लाइफ क्या होता है कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है पूरे चैप्टर में क्या मान ली अपने ए, वो अब कितनी हो जाएगी यानी एक्स की वैल्यू कितनी थी ए बाई टू हो जाएगी, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ, और टी की जगह तो लिखेंगे टी हाफ, है ना। ये तो हो गया आपके हाफ लाइफ का काम, हाफ लाइफ। इसी तरह से बेटा टी थ्री फोर्थ लाइफ क्या होगा कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन थ्री फोर्थ का मतलब है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो ए है वो थ्री बाई फोर हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन एक्स की वैल्यू क्या रखोगे थ्री ए बाई फोर, है ना। जिस तरह से भाई ए बाई टू ही ये थ्री बाई फोर हो जाएगी, थर्ड थ्री फोर्थ लाइफ बोलेंगे, आधी होते हाफ लाइफ बोलेंगे उसको, ठीक है ना। बस तो कुछ नहीं, एक्स की वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले इक्वेशन क्या थी वही अपन ने हाफ लाइफ तो आप कर चुके हो, तो हाफ लाइफ की इक्वेशन आपको याद सीधी लिख रहा हूँ मैं, पहले आती है आपको, इसलिए 0.693 अपॉन यही करते हैं ना ये 2.303 अपॉन ये के वन लॉग ऑफ या लॉग टू आएगा आपके इक्वेशन वन, ये हाफ लाइफ में आप कर चुके हो इक्वेशन वन। इक्वेशन टू मैं जरूर बना लेता हूँ आपके लिए कि वन इज इक्वल्स टू 2.303 टी की जगह आपकी बार टी थ्री फोर्थ लाइफ लिखनी है ना, लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है देखो थ्री फोर्थ के लिए थ्री ए बाई फोर, एलसीएम ले लेना है ना, एलसीएम क्या आएगा कि फोर आएगा, ये आ जाएगा फोर ए माइनस थ्री ए, कहाँ से आया ये इससे एलसीएम वन ले लोगे, ठीक है ना, फोर ए माइनस थ्री ए आ जाएगा ए बाई फोर। तो ध्यान दो इसको टी थ्री फोर्थ को यहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगा टी थ्री फोर्थ इज कस टू, ये आ जाएगा के वन नीचे ले जाओ 2.303 और के वन लॉग ऑफ, बस बच्चों क्या है लॉग ऑफ ए अपॉन फोर, ये क्या होगा फोर तो ऊपर चला जाएगा, ये फोर को देखो ऐसे लिखते थे फोर ऊपर चला जाता है, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई में ए से काट दो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो जाएगा टी थ्री थर्ड फोर्थ इज कस टू 2.303 अपॉन के वन लॉग, लॉग फोर को आप क्या लिख सकते हो टू लॉग टू, क्या लिख सकते हो ऐसे लिख दो भाई, या लॉग फोर हो गया, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो टू। अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन वन डिवाइडेड बाई टू, इक्वेशन वन बनी हुई थी हाफ की पहले पढ़ी हुई इसलिए इजी लगेगी आपको, और इक्वेशन टू ये आ गई, ठीक है ना। इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय टू, इक्वेशन वन डिवाइड बाय टू या कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं पास पास में लिख के काट कटे उसको काट लेते हैं, डिवाइड करना आपके ठीक रहेगा, ठीक है ना। टी हाफ अपॉन टी थ्री फोर इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के वन, है ना, लॉग बेस टेन टू अपॉन में जब जाएगा इसके अपॉन में यहाँ करोगे तो कट जाएगा आपको पता ही है 2.303 अपॉन के वन, ये सब कट जाएंगे सिमिलरली उल्टा हो जाएंगे कट जाएंगे, और लॉग फोर को क्या लिख सकते हो टू लॉग टू, क्या लिख सकते हो टू लॉग टू, लॉग टू से लॉग टू भी कट जाएगा। तो क्या है आपकी कंपैरिजन में देखिए आंसर चेक कीजिए, और क्या प्रूव हुआ कि नहीं हुआ कि टी थ्री हाफ इक्वल्स टू थ्री थ्री फोर्थ लाइफ इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके वन बाई टू। तो टी थ्री फोर्थ लाइफ मैंने पूछी है और जस्ट डबल है टू इंटू टी हाफ है कि नहीं है देख लीजिए, डबल लाइफ में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे थ्री फोर्थ लाइफ हाफ लाइफ की जस्ट डबल होती है, ये आपको प्रूव कर लिया है आपने, इस पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के न्यूमेरिकल हैं, और न्यूमेरिकल्स के जो है आपको वीडियो भी भेजेंगे और भी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है।